हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वर्ड है पॉजिटिव, और हम देखेंगे कि हम इसके मीनिंग को कैसे इजीली याद रख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बचपन की बातें याद कर लेते हैं। तो बचपन में ज़रूर आपने किसी फ्रेंड को देखकर जेलसी फील की होगी, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपसे ज़्यादा अच्छी ब्रांड की होगी। जूते ही ले लो या स्कूल बैग ले लो, तो आपको लगने लगेगा ये चीज़ तो मेरे पास पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है, तो मुझे उसी टाइप की चाहिए। तो आप ज़रूर अपने पेरेंट्स के पास गए होंगे और बोला होगा कि मुझे भी वैसी ही चीज़ चाहिए। तो इसी पे बेस्ड हमारा वर्ड आज हम याद रखेंगे। तो देखिए कैसे याद रखना है हमें। पहले हम इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये मैंने इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला है पी ए, पी ए, और पी ए से है पापा, यू सी आई से उसी, और टी वाई से टाइप। तो इसका मीनिंग देखते हैं हम कैसे कहानी बना के इसे हम याद रखते हैं। तो इसका मीनिंग है प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन स्मॉल अमाउंट। तो देखिए कैसे कहानी बनाएंगे हम। तो आपने किसी दोस्त को देखा, उसके पास कोई ऐसी चीज़ थी जो आपके पास तो थी, पर उसके पास कुछ ज़्यादा अच्छे ब्रांड की थी। तो आपको लगा कि अभी भी मेरे पास कुछ कमी है, किसी चीज़ की कुछ कमी है। तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, पापा के पास जाते हैं, और बोलते हैं कि मुझे भी उसी टाइप की चीज़ चाहिए। तो इस तरह से आज का वर्ड हमें याद रखना है, और उसका मीनिंग देखो कैसे हमने इजीली याद किया है। तो पॉजिटिव है प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन स्मॉल अमाउंट। तो चलिए इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। तो ये इसका सेंटेंस है, पॉजिटिव ऑफ वोकेबलरी कैन कम इन योर वे टू लर्न इंग्लिश। वोकेबलरी की कमी आपके इंग्लिश सीखने के रास्ते में आ सकती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको वोकेबलरी की कमी हो या पॉजिटिव हो, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।